हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट जॉब जो नेवी एमआर म्यूजिशियन ऑनलाइन फॉर्म आया है उसके बारे में पूरा डेप्थ डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए क्या एज लिमिट है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपको एग्ज़ाम में पूछेगा और क्या इसका फिजिकल होने वाला है, पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये नेवी का एमआर का फॉर्म है। ठीक है ना, तो नेवी एमआर का ये फॉर्म है जिसमें कि ये 2 तारीख से फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा और 4 दिन के लिए रहेगा, यानी कि 6 तारीख इसका लास्ट डेट हो जाएगा, 6 तारीख 8वें महीने में। और इसका फॉर्म भरने का जो फीस रहेगा, चाहे वो जनरल हो या एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हो, कोई फी लगने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए पोस्ट का नाम है नेवी एमआर सेलर इंट्री म्यूजिशियन। ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 10th क्लास है और साथ ही एज जो है वो 1/10/1996 से 30/9/2004 तक होना चाहिए। ठीक है ना, 1996 से 2004 के बीच में एज होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकल में नहीं दिया हुआ है पूरा चीज़, मैं इसका सीधा आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका वैकेंसी का क्या प्रोसीजर है। देखिए, ये जो हमारा एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होने वाला है उसके लिए, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैट्रिकुलर्स एग्जामिनेशन यानी कि 10th क्लास पास होना नेसेसरी है आपको। ठीक है, तो किसी भी बोर्ड से हो लेकिन 10th होना जरूरी है। जॉब जो मिलेगा आपको वो मिलेगा स्पेसिफिकेशन सेफ में, यानी कि खाना बनाने वाले में, स्टेवर्ड में मिलेगा, हाइनिस्ट में मिलेगा। ठीक है ना, हाइनिस्ट में। देखिए इसमें क्या है कि फूड एज पर मेन्यू जो होता है उसके लिए आपको रखा जाएगा, सेफ का काम जो करता है किचन वाला उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो स्टेवर्ड वाला है, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व करते हैं ना जो फूड को, वो उसके लिए आपको रखा जाएगा। और तीसरा हाइनिस्ट, मतलब दे विल रिक्वायर्ड टू क्लीन वाशरूम्स, शॉवर स्पेस एंड अदर एरिया, जो भी होता है वो आपको साफ करने का काम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये तीन जो है, सेफ, स्टेवर्ड और हाइनिस्ट, मतलब ये तीन पोस्ट पे आपको रखा जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका जो जॉब जो स्पेसिफिकेशन आपको दिया जाएगा उसके लिए और क्वालिफिकेशन बता दिया। अब हम देखिए कि इसका पे स्केल्स क्या है। एज के लिए मैंने बता दिया आपको 2001, देखो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 2001 to 2004, वहाँ पे गलत दिया हुआ था, ये नोटिफिकेशन है उसके द्वारा दिया हुआ। ठीक है ना, नेवी के द्वारा, तो 2001 से लेकर 2004 के बीच में बर्थ होना चाहिए कैंडिडेट का, तो ही वो मतलब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसका जो पे स्केल होने वाला है, जो आपको सैलरी दिया जाएगा, वो ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग के समय में 14,600 रुपये दिए जाएंगे और फिर जाके पर मंथ, और जब आपका धीरे धीरे मतलब प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि आप जब नौकरी पे जाओगे लेवल 3rd ऑफ डिफेंस पे, तो आपको 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक का सैलरी आपको पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और साथ ही इन एडिशन दे बिल बी पैड MSP, और साथ ही आपको MSP मिलेगा अलग से जो खर्च होते हैं उसके लिए, 5200 रुपये पर मंथ प्लस DA जिसे कहते हो। ठीक है, फिर जब आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन के लिए बता दें हमको, प्रमोशन पर प्रस्पेक्ट एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ मास्टर सेफ पैट्री ऑफिसर, जैसे कि सेफ का जो मास्टर सेफ होता है पैट्री ऑफिसर, जब आपका लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि लेवल 3rd से जब आप लेवल 8 तक पहुंच जाओगे, तो आपका जो पे स्केल्स है वो 47,600 से लेकर के 1,51,000 रुपये तक चला जाएगा पर मंथ। ठीक है, और MSP जो है आपको 5200 रुपये ही पर मंथ मिलेंगे। ये तो था आपका जो पेमेंट दिया जाएगा पर मंथ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें 50,00,000 रुपये का इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस कवर। अब देखिए इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि ये नेवी वाले जो है MR में आपको सिलेक्शन किस प्रकार से लेगी। तो सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा। क्या होगा रिटेन एग्जाम? रिटेन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन जो होंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है ना, बायलिंगुअल होंगे। साथ ही क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे, वो पूछा जाएगा साइंस से, मैथमेटिक्स से एंड जनरल नॉलेज यानी कि GK से। इसमें इंग्लिश से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस साइंस, मैथ और जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा। और आपका अगला जो है वो 10th लेवल का सिलेबस, जो भी सिलेबस रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रिटेन एग्जाम
वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे, और उसी दिन आपको क्या किया जाएगा, जिस दिन आप मतलब रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम का टाइमिंग 30 मिनट का दिया जाएगा आप लोगों को, और 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये तो था आपका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम का प्रक्रिया, कैसे आप लोग रिटर्न एग्जाम दोगे, और रिटर्न एग्जाम में सब्जेक्ट क्या क्या आएगा, तो साइंस, मैथ और जीके रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, बायलिंगुअल क्वेश्चन रहेंगे। अब फिजिकल फिटनेस का बता दूँ, जैसे ही आप रिटर्न एग्जाम कंप्लीट कर जाओगे तो आपका फिजिकल एग्जाम होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए पूछा कुछ भी नहीं जाएगा, आपको क्या करना है फिजिकल में, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा जिसमें कि 7 मिनट का टाइम है। फिजिकल फिटनेस में मैंने बता दिया आपको, जैसे कि 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करना है आपको 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट करना है, स्क्वाट मतलब उठक बैठक जो होता है वो, और 10 पुशअप्स करने पड़ेंगे। ये आपके फिजिकल जो होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में यही सब चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये फिजिकल का बता दिया मैंने आपको, फिर उसके बाद क्या होगा कि देखो, मेरिट लिस्ट फॉर एमआर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटर्न एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब रिटर्न जो टेस्ट होगा उस पर, और फिजिकल फिटनेस के बेस पर मेरिट लिस्ट जो है एमआर का प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि बनाया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 450 कैंडिडेट विल बी इशू कॉल ऑफ लेटर फॉर इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, 450 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा किसके लिए, तो मेडिकल एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन यानी मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। नोट करने के लिए, द कट ऑफ ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल ऑफ लेटर फॉर फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट आई एस चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब जो इसका क्या कहते हैं कट ऑफ जो निकलेगा वो स्टेट वाइज निकलेगा, मतलब हर एक अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जो है वो निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल का प्रोसीजर जो होता है वही रहेगा, ठीक है ना। मतलब मेडिकल में मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय ऑथोराइज मिलिट्री डॉक्टर जो होते हैं उनके द्वारा। मिनिमम हाइट इसमें देखा जाएगा आपका 157 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, आपका चेस्ट जो है वो एक्सपेंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये सब चीज़ आपका मेडिकल में देखा जाएगा, तो ये हो गया। अब विजुअल स्टैंडर्ड जो होता है वो देखा जाएगा आपका, यानी कि आई साइड देखा जाएगा कि आपका आई कैसा है, तो विदाउट ग्लास बेटर आई होगा कब, जब 6x6 रहेगा, और वर्ज कब रहेगा, मतलब ना ज़्यादा खराब ना बेटर, तो 6x9 में, ठीक है। विद ग्लास में अगर बेटर कब रहेगा 6x6 में, और वर्ज कब रहेगा, तो 6x6 में ही रहेगा। तो ये आपका था आई विजन के लिए। टैटू के बारे में दे रखा है कि परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिट ऑन इनर फेस ऑफ परफॉर्मर, मतलब अगर आपके शरीर में टैटू है लेकिन वो अंदर के साइड से है, मतलब ऊपर से नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल सकता है। लेकिन वो टैटू अगर आपके ऊपर के साइड में है, दिख रहा है ऊपर से, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टैटू के बारे में था। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए अक्टूबर 2021 विथ 12 वीक ऑफ बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिल्का, INS चिल्का में आपका क्या करवाया जाएगा, ट्रेनिंग करवाया जाएगा। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस नेवी में जाने का, क्या सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। डिस्चार्ज अनसुटेबल, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अगर कोई अनसुटेबल है तो उसके लिए दिया हुआ है। इनिशियल इंगेजमेंट के बारे में दिया हुआ है कि इनिशियल इंगेजमेंट जो है वो आपको 15 साल की नौकरी देगी, और धीरे धीरे आप अपना नौकरी को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है जॉब को। ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फॉर्म भर करके आपको बतला दूंगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट या फिर किस तरीके से भरना है वो इसमें दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहोगे कि इसका आपको लिंक मिल जाए तो आप लोग सरकारीइजल.com पे जा करके इसका ये PDF डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और इंडियन नेवी में जिसका भी सपना है जाना तो वो जा सकता है, वो बच्चा इंडियन नेवी में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।